हाय फ्रेंड्स, हमारा सबसे फेवरेट फेस्टिवल आ रहा है जो है पर्युषण, एंड उसके बहुत ही डिलीशियस रेसिपी मैं अपलोड कर रही हूँ पूरे मेनू के साथ। तो उसके लिए जुड़े रहिए साइलीज किचनेट के साथ। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबाइए तो आपको ये सारे रेसिपीज मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डे वन का मेनू कर रहे हैं, इसका पूरा मेनू सून अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ग्राउंड नट्स ले रही हूँ, ये कच्चे ग्राउंड नट्स हैं और मेरे पास वार्म वाटर है, उस पर मैंने 2 घंटा इसे भिगो दिया। 2 से 3 घंटा भिगा देने के बाद हम इसे डायरेक्ट कुकर में चढ़ा देंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करके। इसे हमें लो फ्लेम पे 2 से 3 सीटियों तक पकाना है। ये बहुत ज़्यादा पकना भी नहीं चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। ये पक जाने के बाद मैंने इसे छन्नी में निकाल के लिया है एंड थोड़ा ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है। ग्राउंडनट्स में एक हल्का सा क्रंच भी रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे इसका एक मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे दही लिया है 1 टेबलस्पून, उसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/4 जीरा पाउडर, 1/4 धना पाउडर, ये दोनों मैंने सेफ स्पाइसेस के यूज़ किए हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, 1/4 चम्मच हिंग पाउडर। हिंग पाउडर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है तो इसे अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना। अब इन सारे मसालों को हम दही के साथ मिक्स कर देंगे ताकि हमें एक थिक पेस्ट मिल जाए। ये हमारा सेंगदाने का मसाला रेडी है। अब इसका हम तड़का बना के लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ और उस पर जाएगा राई दाना। राई दाना एक बार तड़क जाए हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे एंड उसके बाद इसमें जो दही का मिक्स हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। दही हल्के से 2 मिनट तक सॉटे करने के बाद हम फ्लेम ऑन कर देंगे ताकि दही भी पक जाएगा एंड फटेगा भी नहीं। ये जो मसाले हमने ऐड किए हैं उसके कारण दही फटता नहीं है, तो ये ट्रिक आप बिल्कुल भी भूलना मत। एंड जो भी पीनट्स हमने रेडी रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर कश्मीरी ऐड कर रही हूँ ताकि हमें एक अच्छा सा कलर मिल जाए। इसे एक बार मिक्स कर देते हैं एंड स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ है, उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर देना। एंड इसमें 1/4 चम्मच शक्कर जाएगा। ये बन गया हमारा पीनट की सब्जी रेडी। ये सब्जी मेरा पर्युषण डे वन मेनू का एक हिस्सा है, इसे मैंने पूरा मेनू अपलोड किया है, आप आगे वीडियो देखते रहना। हम पीनट की सब्जी एक बार सर्व कर लेते हैं। ये देखो मसाला कितना अच्छे से हर एक पीनट को लग चुका है। दही के कारण एक बहुत ही अच्छी खटास इसमें उतर चुकी है एंड इसे हम सजाएंगे व्हाइट तिल से। अब हम बनाने लेते हैं रेसिपी नंबर 2। ये बहुत सारे लोगों को आसानी से आता होगा, पर जो भी फ्रेशर्स हो, जो नए नए कुकिंग सीख रहे हैं, उनके लिए रेसिपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, उसमें स्वाद अनुसार नमक और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बारीक की हुई शक्कर। ये बहुत ही अच्छी क्रंच देगी हमारी पूरी को। अब इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल जितना सही तरीके से आप यहाँ पे डालोगे उतना ही फ्राई करते वक्त पूरी कम अब्सॉर्ब करेगी, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऑयल डालने के बाद हमें ऐसे चेक करना है कि ऑयल सही तरीके से इसमें बैठा है या नहीं। अगर ऐसा एक जैसा हो जाए तो हमारा ऑयल सही है। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऑयल ऐड किया हुआ है। पूरी के लिए कुछ टिप्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जब एक बार हम डीप फ्राई करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हमें हल्का सा सख्त डो बनाना है। अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो तेल ज़्यादा अब्सॉर्ब हो जाता है एंड अगर पानी कम डाल दिया तो पूरी फटी फटी सी बनती है, तो इसे सही तरीके से करना ज़रूरी है। आज में इसमें हल्का सा ऑयल डाल के वापस से इसे अच्छे से मसल के लेंगे हम, और इसे हम ढक देंगे एक क्लॉथ से। इसमें गीला क्लॉथ मत लेना। एक 10 से 15 मिनट हो जाने के बाद मेरा यहाँ पे डो रेडी है। इसका एक छोटा सा मैंने बॉल बना के लिया है।
अब इसे हम बेल देते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर में थोड़ा बेल देंगे और एजेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि अपने आप सेंटर में भी पतला हो जाएगा। पूरी का रोटी बनाते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि हम इसे बहुत ही पतला ना बेलें, इसे हमें हल्का सा थिक रखना है ताकि ये गरम तेल में अच्छे से फूल जाए। छोटी छोटी सी राउंड पूरीज भी बना सकते हो। मैं एक बड़ी रोटी को चार हिस्सों में कट करके पूरीज बनाती हूँ ताकि ये फटाफट से बन जाता है। पिज़्ज़ा कटर से मैंने इसके चार हिस्से बना लिए। एंड हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो, अगर ऑयल कम गर्म रहेगा तो पूरी वापस से फूलेगी नहीं। फिर इसके बाद हम पूरी को इसमें डाल के दोनों साइड से अच्छे से पका के लेंगे। आप चाहो वो कलर रख सक, मुझे पूरी में गोल्डन ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है तो उस हिसाब से मैं इसका कलर रखती हूँ। ये देखो एक ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर आया, ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस देता है हमारी पूरी। ये बन गया मेनू का आधा हिस्सा रेडी। इसे मैं सर्व करने वाली हूँ एक मिठाई के साथ जो है श्रीखंड, और इसके साथ एक मसाला राइस भी होगा। तो उसकी रेसिपी मैं तुरंत इसके बाद ऐड कर रही हूँ। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आप एकाशना या लंच के लिए बना सकते हो। ये बहुत ही डिलीशियस फटाफट बनने वाला रेसिपी है। अगर आप सैव स्पाइसेस यूज़ करना चाहते हो तो आप मेरा यहाँ पे प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो SK5, आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ऐसी और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए साइलीज किचनेट के साथ। एंड परिशन की बहुत सारी रेसिपीज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ डू स्टे विद अस। बाय बाय।